चित्रकूट महोत्सव के अंतिम दिन लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजी चित्रकूट की संध्या। चित्रकूट महोत्सव में आयोजित विभिन्न क्रीडा प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। चित्रकूट महोत्सव के अंतिम दिन लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सराबोर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। जगदलपुर के लोक नर्तक दल द्वारा परब नृत्य, लोहंडीगुड़ा के लोक नर्तक दलों द्वारा गौर नृत्य, रस परब और बलराम साइड द्वारा छत्तीसगढ़ी और हल्बी गीत, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बस्तर संगीत महाविद्यालय द्वारा शास्त्रीय कार्यक्रम, बादल अकादमी द्वारा लोक संगीत और नृत्य, ब्रिज ट्रुप द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। शालेय कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बकावन, स्वामी आत्मानंद विद्यालय लोहंडीगुड़ा, कन्या आश्रम गुनियापाल, प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास लोहंडीगुड़ा के विद्यार्थियों द्वारा लोक सांस्कृतिक पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके साथ ही प्रज्ञा योग एवं डांस द्वारा शिव प्रस्तुति तथा डोलू कनिथा द्वारा यक्ष गान की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चित्रकूट विधायक विनायक गोयल ने चित्रकूट महोत्सव के भव्य आयोजन के लिए जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि यह अथक प्रयासों से ही संभव हुआ। उन्होंने कहा कि कलेक्टर के नेतृत्व में विभिन्न विभागों द्वारा बहुत ही अच्छी तैयारी की गई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा खुद ही किया गया था, जिससे गरिमा और अधिक बढ़ गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चित्रकूट महोत्सव के आयोजन के लिए अब प्रति साल 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए खर्च देने की घोषणा भी की है। इसके साथ ही अब प्रतिवर्ष तीरथगढ़ महोत्सव में आयोजित की घोषणा भी किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई यह घोषणाएं पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया एक अच्छा कदम है।